हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ बुरीटो रैप की रेसिपी, जो कि मेक्सिकन फूड है बट इसे घर पे इजीली बना सकते हैं। तो आज मैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी और होममेड टॉर्टिला के साथ बुरीटो रैप कैसे बनाएंगे घर पे। तो चलिए मैं बताती हूँ आज की रेसिपी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए बताती हूँ आज की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे टॉर्टिला। तो यहाँ टॉर्टिला के लिए मैंने लिया है 1/2 कप व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा, और मैंने लिया है 1/2 कप मैदा। आप चाहे तो पूरा मैदा भी ले सकते हैं, बट पूरे सिर्फ आटा में नहीं बनता है टॉर्टिला, वो फिर अच्छे से फूलता नहीं है तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा वो। हम इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार बिल्कुल थोड़ा सा, और इसमें ऐड करेंगे ऑयल। और फिर इसको भूनने के लिए मैंने पानी लिया, ये हल्का गुनगुना पानी है, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी ले, और जितनी पानी चाहिए उतनी पानी डाल डाल के इसे नीड करें और इसका एक डो तैयार करें। बिल्कुल सॉफ्ट डो बनना चाहिए, हार्ड नहीं बने। पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे नीड करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे मिला के अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से नीट करें, इसे सॉफ्ट डो तैयार करें इसका। तो हो चुका है, मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आधे घंटे बाद देखिए कितना अच्छा फूल के ये मुलायम हो चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं टॉर्टिला। तो इसकी छोटी छोटी लोई काट लेंगे मीडियम साइज की, जैसे रोटी बनाने के लिए करते हैं, और इसे थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे नीचे, और फिर इसे लेके बेलना शुरू करेंगे। चारों तरफ से इसे अच्छे से इक्वली बेलें ताकि कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे। थोड़ा थोड़ा आटा डाल दें ताकि चिपकेगा नहीं वो, बस चारों तरफ से इसे घुमा घुमा के ऐसे ही बेलते जाएं। देखिए चारों तरफ से बेलने से बराबर साइज का हो रहा है ये, हर तरफ से कहीं मोटा कहीं पतला नहीं हो रहा है। तो ये हो चुका है, देखिए ये इतना ही इसका थिकनेस होना चाहिए। तो मैंने तवा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और इसे हाथ से देख ले, बहुत ज्यादा हीट ना हो तवा में, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे सेकना है। तो इसे डालें और 2 मिनट के बाद ही देखेंगे आपके इस पे छोटे छोटे से बबल्स आने लगे हैं, मीन्स कि आपका आटा बहुत अच्छे से गुना है, फूल रहे हैं ये अपने आप। तो बस इसे फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करके दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इस पे ब्राउन स्पॉट आ जाए। तो देखिए हो चुका है दोनों तरफ से, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए टॉर्टिला। तो चलिए अब इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीन्स को तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है पैन, पैन में मैंने डाल दिया ऑयल, ऑयल को अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर दें। फिर सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी फाइनली चॉप्ड गार्लिक, और गार्लिक को 8 से 10 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे भूने, ये गोल्डन ब्राउन होने तक।
देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी फाइनली चॉप्ड अनियन और इसकी कितनी क्वांटिटी में डाल रही हूँ क्या डाल रही हूँ सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल इंग्रेडिएंट्स इसके मिल जाएंगे। तो देखिए अनियन का भी कलर लाइट ब्राउन हो चुका है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे करना है। फिर इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और इसे अच्छे से मिला देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और नमक के साथ भी अनियन को 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे जिसे हम लोग राजमा बोलते हैं, ये ब्लैक बीन्स या ब्राउन बीन्स भी इसे बोलते हैं। इसको मैंने रात भर सोक कर दिया था और फिर मैं इसे अच्छे से बॉयल कर दी हूँ। 4 से 5 सीटी लगा के इसे अच्छे से बॉयल कर दें, फिर इसमें इसे डाल के मिक्स करें अच्छी तरीके से। और फिर धीरे धीरे इसे ऐसे ही स्मैश करना है। फिर इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप, फिर इसे मिक्स करेंगे। फिर आप इस कलछी से या फिर पोटैटो मैसर जो होता है उससे इसे अच्छे से स्मैश कर ले। ये खड़ी खड़ी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी स्मैश हो जाए अच्छे से। और बस इसे भून ले, हो चुका है किडनी बीन्स तैयार हो चुका है स्टफिंग के लिए। फिर इसके लिए हम लोग तैयार करेंगे एक सालसा। तो सालसा के लिए मैंने लिया है ये फाइनली चॉप्ड टोमेटो फाइनली चॉप्ड सिलेंट्रो मीन्स धनिया की पत्ती फाइनली चॉप किए। मेरे पास रेड बेल पेपर है यानी कि रेड कैप्सिकम है, अगर आप चाहे तो आप ग्रीन येलो जो भी आपके पास आप ले सकते हैं। फिर इसमें ऐड किया है मैंने फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज, फिर अनियन फाइनली चॉप, फिर इसमें ऐड कर दें नमक स्वाद के अनुसार, फिर नींबू का रस और इन सबको अच्छे से मिला दें थोड़ा प्रेस करते हुए ताकि टोमेटो में से जो भी थोड़ा बहुत जूस निकल जाए अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से आप मिलाएंगे तो देखिए थोड़ा जूसी टेक्सचर हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हम लोग को। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं सार क्रीम। सार क्रीम के लिए मैंने जो अपने पास दही होती है नॉर्मल दही उसे मैंने कपड़े में बांध के 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से छोड़ दिया था। तो ये दही तैयार हो चुकी है। फिर इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस और फिर इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे भी मिक्स कर देंगे तो हमारा सार क्रीम तैयार हो जाएगा। इसके लिए 3-4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं बट ये बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है और सब चीज़ आपके घर पे ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग मैक्सिको फेमस गुआकामोले जो कि एवोकाडो का होता है। मैं जानती हूँ इंडिया में बहुत जगह पे एवोकाडो नहीं मिलता है बट हाँ अगर आपको मिलता है आप बनाइए, नहीं मिलता है नहीं बनाइए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो इसके लिए मैंने लिया हाफ एवोकाडो। तो इसे अच्छे से स्पून के हेल्प से इसे निकाल लेंगे, फिर इसे अच्छे से मैश कर लेंगे फोक से। फिर उसमें भी सेम इंग्रेडिएंट्स जो हमने सालसा में डाला था सेम इसमें भी यही पड़ता है, बस इसमें ब्लैक पेपर पड़ता है। तो मैंने ये लिया है धनिया की पत्ती, प्याज और टमाटर, तीनों को मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। फिर इसमें डालेंगे लेमन जूस, और फिर इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। बिल्कुल तीखा चटपटा सा ये बनके तैयार होता है, आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें 1 से 2 पिंच बिल्कुल 1-2 चुटकी इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और फिर इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है गुआकामोले, अगर आपके पास एवोकाडो है तो आप बनाएं, नहीं है तो नहीं बनाएं। तो चलिए अब इसे असेंबल करते हैं रैप को। तो सबसे पहले मैं
ले लूँगी टॉर्टिला, एक प्लेट में से अच्छे से रख लें, और इस पर सबसे पहले बीन्स का लेयर तैयार करेंगे। तो 1 to 2 स्पून डाल के इसे अच्छे से, ताकि रैपिंग में प्रॉब्लम ना हो, तो इसे अच्छे से असेंबल करें। ऐसे प्रेस कर दें दोनों तरफ से। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो हम लोग सालसा बना के रखे थे, वो एक लेयर उसका डालेंगे। दोनों तरफ से इसे अच्छे से फोल्ड कर दे, ताकि आपका ये रैप से बाहर ना आए। फिर इस पे डालेंगे एक लेयर शावर क्रीम का। और फिर इसे फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने का ये तरीका है, पहले इसे आगे से ऐसे मोड़ ले, फिर साइड दोनों से ऐसे मोड़ ले, साइड से दोनों साइड से जैसे आप मोड़ेंगे ये ऊपर में ऐसे चिपक जाएगा। बस हो गया, आपका रैप तैयार है बिल्कुल बनके। तो देखिए कितना बढ़िया लेयर अंदर तैयार हुआ है। तो चलिए अभी इसे सर्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल में डालूंगी ग्वाकामोले। फिर मैंने जो रैप तैयार किया है वो डालूंगी। फिर थोड़ा सा ये टोस्टेड चिप्स आती है मेरे पास, तो ये डाल रही हूँ। पूरी मैक्सिकन थाली तैयार हो गई है। तो घर पे आप बनाएं, ट्राई करें, खाएं मैक्सिकन फूड घर पे, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही यमी बन के तैयार होता है और काफ़ी फीलिंग होता है। तो ट्राई ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।